हेलो, गुड मॉर्निंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, आजकल जो इन्फॉर्मेशंस मिला है, क्लियर? सो एनटीए से जो इन्फॉर्मेशंस मिला है, आप लोगों का जो जेईई मेन का एग्जाम्स है वो मोस्ट प्रॉब्ली, मैंने तो सोचा था अप्रैल महीने में होगा, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजी था। अभी आप लोगों के पास वन मोर मंथ्स टाइम मिल रहा है, सो दैट मीन्स क्या, इसके लिए बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी है, क्लियर? सो टू मंथ स्ट्रेटेजी, वीक बाई वीक क्या होगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, ये अभी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अभी जो है, क्लियर? मैंने पहले आप लोगों को बताया था जो 150 प्लस, अभी ये स्कोर को आप लोग 180 प्लस कर सकते हो। सो दिस इज यू कैन इजीली अचीव, सो दिस इज 180 प्लस मार्क्स, ठीक है, क्लियर? इफ यू गेट 180 प्लस मार्क्स, ठीक है, इन जेईई मेन, सो दैट मीन्स विल गेट वेरी गुड स्ट्रीम एंड वेरी गुड इन आईटी, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर दैट इफ यू अचीव दिस स्कोर्स 180 प्लस, यू हैव टू स्टडी वेरी गुड बुक्स, ठीक है, क्लियर? इसीलिए मैंने रखा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स के लिए एसी वर्मा को पढ़ोगे, उसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, कोई दूसरा बुक नहीं, ओनली एसी वर्मा। केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे, थोरोली रीड करोगे, एनसीईआरटी में कुछ कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप इस बुक से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओपी टंडन एंड पी बहादुर एज ए रेफरेंस बुक आप यूज करोगे, ओपी टंडन एंड पी बहादुर। और मैथमेटिक्स के लिए मैकग्रोहिल पब्लिकेशंस का जो बूस्टर सीरीज का बुक्स है उसे पढ़ोगे। अभी आपको तो किताब भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो जो चैप्टर मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी तो मैं आपका पूरा बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर। और कुछ कुछ चैप्टर ऐसा बता देंगे कि इसका बाद क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन, मुझे जो लगता है, यू कैन इजीली अचीव अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, इन जेईई स्कोर। सो दैट मीन्स क्या, शुरू में क्या था, 150 प्लस था, अभी आपका पास 30 मोर डेज टाइम मिल रहा है, मैंने 30 ऐड कर दिया, सो दैट मीन्स 180 प्लस। 180 प्लस में आपको बहुत अच्छा ब्रांच, बहुत अच्छा एनआईटी मिल सकता है रेगुलरली, ठीक है, क्लियर। अभी तो आपको घर पे रहना है, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोविड-19, यू हैव टू स्टे एट होम, क्लियर, फॉर योर जिंदगी के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जान है तो जहाँ है, जब जान नहीं रहेगा ये सब करके आप क्या कर लोगे, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्लियर, एंड ट्राई टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, ये तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, हो करके किसी भी कंडीशंस में कहीं किसी का घर पे नहीं जाना, किसी को नहीं बुलाना, ठीक है, किसी को इन्वाइट नहीं करना बिल्कुल, ठीक है, किसी फ्रेंड के पास नहीं जाना, किसी फ्रेंड को भी घर पे नहीं बुलाना, ये जो सोशल डिस्टेंस है इसको आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जिस स्टेट में हो, आपका गवर्नमेंट आपको आपका प्रोटेक्शंस के लिए जो मेजर लिया है, जो स्टेप उठाया है, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है, उसका इग्नोरेंस में मत जाइए, ठीक है, उसको रेस्पेक्ट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ्स एज वेल एज यू टेक केयर योर पेरेंट्स आल्सो, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। सो दैट मीन्स सक्सेस मंत्र फॉर जेईई मेंस के लिए क्या है ना, सो दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी वेरी गुड बुक्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड देन आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू स्टडी मैथ्स, हाउ टू स्टडी फिजिक्स एज वेल एज हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री, दैट्स ऑल। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया वो अभी, क्लियर, जो मैंने सिस्टमेटिक ऑर्डर से लिखा है वो ऑर्डर को फॉलो कीजिए, ठीक है, क्लियर। सो आज से, सो दैट मीन्स क्या, यू आर गेटिंग 2 मंथ्स टाइम, ये दिमाग में रखते हुए मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाया है, ये स्ट्रेटेजी में आपका बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा एंड नोबडी कैन मेक यू फुल इन द एग्जामिनेशन साल, आप मेरे जो इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो। सो माई डियर फ्रेंड्स, क्लियर, जो 2 मंथ्स स्टडीज है, 12 to 13 आवर्स इन ए डे आपको पढ़ना है, ठीक है, जो पढ़ना है, सो दैट मीन्स आप अपने गोल को सेट कीजिए, ठीक है,
क्या सेट करना है, आपको कितना मार्क्स चाहिए, उस हिसाब से क्लियर। सो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। सो नेक्स्ट चीज क्या है, देखो नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर। जी आज मैंने 12 घंटा पढ़ाई किया, नेक्स्ट डे 2 घंटा, नेक्स्ट डे 3 आवर्स, ऐसा नहीं, रेगुलरली आपको 12 टू 13 आवर्स पढ़ाई करोगे, सो दैट मीन्स देन यू कैन इजीली अचीव 180 प्लस मार्क्स इन योर जी मेन एग्जाम्स, क्लियर। सो माई डियर फ्रेंड्स, मैंने ही पे रखा है 10 डेज, दिस इज 10 डेज, दिस इज अनदर 10 डेज, सो दैट मीन्स 30 डेज में आपका देखो ये सारे चैप्टर्स आप चाहो तो आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। सो दैट इज स्टेप वन। स्टेप वन में देखो इन इक्वेशन से कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने रखा है क्योंकि नहीं बेस है मैथमेटिक्स का, इन इक्वेशन से आपको मालूम होगा, इसका कैलकुलेशन हर एक जगह पे लगेगा, इन इक्वेशन एंड लॉगरिथम का, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स वो कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी काफ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे ढंग से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ना वो हर एक जगह पे उसका कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वहीं पे लगेगा, क्लियर। सो दैट मीन्स काफ़ी जगह पे इसका एप्लीकेशंस है, तो इसे आप कभी भी स्किप नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, यहीं से तो एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेट रिलेशन एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने रखा है, ठीक है, आपका बेस भी बन जाएगा और मार्क्स भी आ जाएगा। सो इफ यू वांट क्लियर, आपको जो बुक पढ़ना है क्लियर, आपको बुक अच्छा बुक्स पढ़ना है, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या, जो मैथमेटिक्स के लिए आप मेरा ही बुक पढ़ोगे, बूस्टर सीरीज फ्रॉम मैक्रोहिल पब्लिकेशंस एंड दैट वन इज रिटन बाय बी, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो सारे जो चैप्टर्स है कोई दूसरा बुक आप मत पढ़ो, ठीक है, मेरा ही बुक को फॉलो करो, क्योंकि ना मैं ये सारे स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूँ, तो आपको मुझे क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए आपका आसान होगा, ठीक है। मार्केट में तो काफ़ी बुक है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने बुक लिखा है, ठीक है। सो दिस इज इन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक, ये 7 चैप्टर्स आपको होना चाहिए। उसका बाद क्या है, स्टेप टू पे क्या है, इस पे भी आप क्या करोगे, जब 8-7 चैप्टर्स हो जाएगा क्लियर, यहीं से तो कम से कम आपको 5 क्वेश्चंस तो मिल गया, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अगर एट ए टाइम सारे चैप्टर ले लोगे, कोई भी चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा पढ़ाई नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। स्टेप स्टेप आगे बढ़ना। स्टेप टू पे आपको देखो, ये तो 12th क्लास, ठीक है क्लियर, ये सारे 11th क्लास था, लेकिन ये तो सारे 12th क्लास है। लिमिट्स, मैट्रिसेस डिटरमाइन, कंटिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट नॉर्मल्स एंड मैक्सिमम मिनिमा। पहले क्या होता था देखो, पहले मैट्रिसेस डिटरमाइन से 2 क्वेश्चंस पूछता था, लेकिन अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम हो गया, पहले 30 क्वेश्चंस था, अभी 25 हो गया, तो यहीं से 1 क्वेश्चंस पूछेगा। पहले कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी से भी 2 क्वेश्चंस पूछता था, लेकिन अभी 1 क्वेश्चंस पूछेगा। सो दैट मीन्स यहीं से भी आपको 6 क्वेश्चंस तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये सारे जो चैप्टर्स है इन लोगों को किल करना इजी होता है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, क्विक टू कुक एंड गुड टू ईट। क्विक टू कुक गुड टू ईट का मतलब है क्लियर, वो तो मतलब तो आपको पता ही है, इसीलिए मैंने ये जो सारे चैप्टर्स है ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। फेवरेट चैप्टर का मतलब है लड्डू चैप्टर्स है। लड्डू चैप्टर्स का मतलब है ये सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करना आसान होता है, ठीक है, यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है, इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर्स यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है। सो दैट मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट 6 out of 6, ठीक है, क्लियर। सो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, इन लोगों को क्लियर करना आसान होता है। सो नेक्स्ट इज क्या, स्टेप 3। स्टेप 3 में मैं अभी इनडेफिनिट इंटीग्रल को नहीं रखा, डेफिनेट इंटीग्रल को रखा, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पढ़ने के बाद आपका तो 15 क्वेश्चंस आपका ग्रिप में आ गया, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स ये पढ़ने के बाद कोई आपको प्लेटफॉर्म से हटा नहीं सकते हैं, क्लियर। सो दैट मीन्स आपका 15 क्वेश्चंस आपका ग्रिप में आ गया। 15 क्वेश्चंस जब ग्रिप में आ गया, सो दैट मीन्स 60 मार्क्स आपका हैंड में है, ठीक है। अभी फिर आगे पढ़ने के लिए और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है वो कैसे पढ़ना है वो अभी बताएंगे। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज स्टेप 4। स्टेप 4 में मैंने रखा है, ठीक है, एल्जेब्रा 1। एल्जेब्रा 1 मीन्स क्या, देखो पहले तो आपने पढ़ चुका हो इन इक्वेशंस, लॉगरिथमिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
सो ये है एलजेब्रा का पार्ट, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, जहाँ से मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं अभी आपको परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, टाइम काफ़ी है, उसका बाद भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना वो जो चैप्टर्स है ना कन्फ्यूजिंग है, नॉर्मल बच्चे के लिए वो दो चैप्टर्स ठीक नहीं है। ठीक है, एंड स्टेप फाइव ए 7 days टाइम, क्लियर? रेगुलरली आपको 12 to 13 hours इन ए डे पढ़ना है। मैथमेटिक्स नहीं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, लेकिन मैथमेटिक्स आपको 5 hours इन ए डे पढ़ना है। ठीक है, स्टेप फाइव के लिए क्या है, देखो, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ए 7 days टाइम। ठीक है, क्लियर? यहीं पे जो चैप्टर सब मैंने रखा है, आपको लगता है आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप तो यहीं तक पढ़ने के बाद, देखो यहीं पे 5, यहीं पे 3, पहले तो मैंने कितना, देखो 16 क्वेश्चंस आपका ग्रिप में था, अभी कितना क्वेश्चंस है, 3 and 5, 8 क्वेश्चंस आपका ग्रिप में आ गया। ठीक है, क्लियर? सो दैट मीन्स क्या, सो दैट मीन्स सब मिला के, सो दैट मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट, क्लियर, 20 क्वेश्चन आपका ग्रिप में है, आपको लगता है, इसका बाद आपको लगता है जो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपका कंफर्टेबल फील हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस आ गया, तो ये 4 chapters को पढ़ना, अदरवाइज नहीं पढ़ना। ठीक है, क्लियर? सो अपना दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना, मैं ये टॉपिक्स को किसी भी कंडीशंस में शुरू पे आप पढ़ाई नहीं करोगे, इसका चक्कर में आपका दूसरा चैप्टर भी खराब हो सकता है। सो दिस इज परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर? ये जो जब आपका कॉन्फिडेंस होगा, जब आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, जब आप सब्जेक्ट को समझने लगा है, तो पढ़ना, अदरवाइज नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यार ये मेरे साथ पढ़ाई करोगे, मेरा वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखोगे, कोई बुक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जेईई मेन में, और किस टाइप क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटीज है, वो ऑनली मेरा वीडियो को वॉच करोगे। ठीक है, क्लियर? ये ऑलरेडी मैंने इसका ऊपर वीडियो तो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, इसका ऊपर वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ये वीडियो को भी अच्छा से आप पढ़ लो। ठीक है, क्लियर? ये सबका वीडियो, ठीक है, इसका ऊपर तो बहुत कुछ है, वो मैं बहुत कुछ ऑलरेडी मेरा चैनल पे है। ठीक है, लेकिन वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, पूरा बेस बनाने के लिए, लेकिन मैं यहीं पे टू द पॉइंट में मैं वो एक नया वीडियो को अपलोड करूँगा, वो सारे वीडियो को आप अच्छे से देखोगे, आपको लगता है आप सब्जेक्ट में कम्फर्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, क्लियर? सो दैट टाइम यू कैन प्रिपेयर दिस 4 chapters, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन जेईई मेन, क्लियर, एंड यू वांट टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन जेईई मेन्स, सो दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू फॉलो माय चैनल, यू हैव टू फॉलो वेरी गुड बुक्स। ठीक है, एंड यू हैव टू स्टडी 12 to 3 hours इन ए डे। वेरी गुड बुक्स का मतलब है, फिजिक्स के लिए आप एसी वर्मा का बुक पढ़ोगे, केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी एज ए रेफरेंस बुक ओपी टंडन एंड पी बहादुर, एंड मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, बूस्टर सीरीज मैग्रेट पब्लिकेशंस रिटन बाय रिजॉल्व ऑल्सो। क्लियर, सो जब तक आप अच्छा बुक नहीं पढ़ोगे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है। क्लियर, जब सारे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करोगे, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट एडमिशंस इन आइदर इन आईआईटी और एनआईटी। सो आवर एम इज टू अचीव 180 plus मीन्स क्या, आप फ्यूचर का कंप्यूटर इंजीनियर हो। ठीक है, सो अपने आप को जब ये पढ़ाई कर लोगे, उस टाइम आप अपने आप को समझने लगोगे कि हाँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर फ्यूचर का बन सकता हूँ। दैट्स ऑल। नाउ सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने एक स्कोर लिखा है, जेईई मेन स्कोर 180 plus। ठीक है, इफ़ यू अटेंड माई क्लास रेगुलरली, यू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली, सो यू कैन ईजिली अचीव 70 plus, केमिस्ट्री 60 plus एंड फिजिक्स 50 plus। क्लियर, सो माई डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन ऑन अकेडमी प्लस, दिस इज द एशिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यू कैन गेट गाइड फ्रॉम योर होम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अपना घर से ही इस पे ज्वाइन कर सकते हो और सारे क्लास को अटेंड कर सकते हो। यहीं पे इंडिया का सब टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यू विल गेट
एट आन अकेडमी प्लस। इंडिया का जो स्टार एजुकेटर है सब आन अकेडमी प्लस में है, क्लियर। आप उन लोगों का क्लास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्लास ठीक है अटेंड कर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपको इधर उधर भटकना नहीं, ठीक है, क्लियर। जस्ट जितना यूट्यूब में है सबका क्लास अटेंड करो और मेरा क्लास अटेंड करके देखो एंड डिफरेंस आपको खुद अपने आप को ही पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर। पूरा यूट्यूब में, पूरा इंडिया में, क्लियर, इंडिया से बाहर से भी जितना गाइड यूट्यूब में पढ़ा रहा है सबका क्लास, सबका वीडियो वॉच करो और मेरा क्लास, मेरा वीडियो को आप वॉच करके देखो, आपको क्या है ऑटोमेटिकली आपको काफ़ी डिफरेंस पता चल जाएगा। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट ए वेरी गुड मार्क्स, यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू स्टडी वेरी गुड बुक्स, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए देखो, सो दिस इज एल्जेब्रा बूस्टर, ठीक है, एल्जेब्रा बूस्टर। एल्जेब्रा का तो मैंने 6 चैप्टर्स, ठीक है, पहले 4 चैप्टर्स आपको करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे आपको सेट रिलेशंस भी मिल जाएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 चैप्टर्स, सो दैट मीन्स क्या, 6 × 4 = 20, फ्रॉम दिस बुक्स यू कैन इजीली अचीव 24 मार्क्स, ठीक है, क्लियर। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो है, सो दिस इज अभी क्या है, फ्रॉम दिस बुक, सो डिफरेंशियल कैलकुलस बूस्टर मैकग्रिल पब्लिकेशंस एंड दैट इज रिटन बाय मी, सो दिस इज रिजल्ट मार्क्स। फ्रॉम दिस बुक यू कैन गेट, इस पर क्या क्या आपको मिल जाएगा, सारे सिस्टमेटिक वे पे अरेंज है। अभी आपको बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है, मेरा वीडियो से आप कंसेप्ट ले लो और बुक से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो दैट मीन्स यहीं से आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखो इस पर लिमिट मिल जाएगा, ठीक है, लिमिट फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशिएशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपको पढ़ना है टेंशन नॉर्मल्स एंड मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, कोई अदर चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको डिफरेंशिएशंस पढ़ना है, टेंजन नॉर्मल्स पढ़ना है एंड मैक्सिमम मिनिमम, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यू विल गेट फ्रॉम दिस बुक, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट विल गेट, सो यू विल गेट फ्रॉम दिस बुक, ठीक है, इफ सो दिस बुक इज व्हाट, ना यहीं पे क्या है, देखो इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। इंटीग्रल कैलकुलस में पहले आपको क्या पढ़ोगे, सो दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जब अच्छा से हो जाएगा फिर वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, सो दैट मीन्स ये बुक आपको 20 मार्क्स देगा डेफिनेटली, ठीक है, क्लियर, आपको कोई नहीं रोक सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट ए वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड स्कोर इन JEE मेन, यू हैव टू स्टडी वेरी गुड बुक्स, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा करके देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बूस्टर है एंड ट्रिगोनोमेट्री बूस्टर है, सो टोटल 5 बुक्स है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लाइब्रेरी में, आपका स्कूल में बड़ा लाइब्रेरी होगा तो मेरा बुक होगा, ठीक है, आपका एरिया में जो बड़ा बुक शॉप है वहीं पे सारे मेरा बुक होगा, आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरा बुक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, जस्ट यू चेक इट, गो टू मार्केट एंड चेक इट, ठीक है, आई एम श्योर डेफिनेटली यू विल लाइक दिस बुक, ठीक है, ऐसा करके किसी ने आज तक नहीं लिखा। सो मोस्ट ऑफ द फिजी सेंटर्स में मेरा बुक चल रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिजी सेंटर्स इन इंडिया दे लाइक माई बुक्स, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो इसका अंदर है, ठीक है। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू कैरी वेरी गुड मार्क्स और वेरी गुड स्कोर इन JEE मेन, यू हैव टू स्टडी गुड बुक्स, फिजिक्स के लिए SC वर्मा, केमिस्ट्री के लिए NCERT एज ए रेफरेंस बुक OP टंडन, P बहादुर, एंड मैथमेटिक्स के लिए तो मेरा बुक पोस्टर सीरीज फ्रॉम मैकग्रिल पब्लिकेशंस एंड क्लियर। फिजिक्स केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ज्वाइन आन अकेडमी प्लस, यहीं पे क्लियर। कंपेयर टू अदर्स इंस्टीट्यूट, ये एशिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहीं पे इंडिया का सब स्टार एजुकेटर है, यू कैन गेट गाइड, ठीक है, फ्रॉम स्टार एजुकेटर फ्रॉम इंडिया, जो सारे अच्छा एजुकेटर्स है इंडिया का सब यहीं पे है, क्लियर। यू कैन गेट गाइड परफेक्ट गाइड फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, क्लियर फ्रॉम दे। सो माई डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के लिए तो मैं आप लोगों को गाइड करते रहूँगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आन अकेडमी प्लस, एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड क्या है, मकसूद 1970, ठीक है, सो देन यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट 10%, क्लियर, फ्रॉम आन अकेडमी प्लस, सो दैट इज रेफरल कोड, सो दैट इज वर्ड
रेफरल कोड क्या है ना, सो दिस इज मकसूद 1970, सो दिस इज माई रेफरल कोड इज रेफरल कोड. सो इफ यू So this is what Maksud 1970. ठीक है, क्लियर. एंड जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ना है, आप मेरा चैनल को विजिट करो. वहीं पे फिजिक्स के लिए भी चैप्टर्स गिवन है एंड केमिस्ट्री के लिए भी गिवन है. एंड आई हैव कॉल्ड दोज चैप्टर्स आर लड्डू चैप्टर्स. ठीक है, पहले लड्डू चैप्टर्स कर लो. इफ़ यू रिवाइज all laddu chapters properly, then you can easily score. So this is 60 plus as well as 50 plus. So my dear friends, आपका success मंत्रों है, clear. आपको क्या करना है, आपको पहले आपका goal को set करना है, ठीक है, consistency रखना है, clear. एक smart timetable बनाना है, ठीक है, clear. Smart timetable and consistency रखोगे, जो regularly आप 12 to 13 hours in a day पढ़ाई करोगे. ऐसा नहीं है जो आज 10 घंटा पढ़ाई किया, कल 2 घंटा, कल नेक्स्ट डे 5 घंटा, ऐसा नहीं. कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है. अरे ये 2 महीना जंग लड़ा दो यार, जंग के लिए जा रहा हो जो तो पूरा प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब जो सक्सेस मंत्र है आपका ध्यान में होना चाहिए. दैट्स ऑल.